हेलो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सिंपल सा बड़े ध्यान से सारी बातें सुनते जाइए एक चार्ट से मैं आपको पूरा टॉपिक समझा देता हूँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड ईदर ऑफ द पार्टी इज रिफ्यूजिंग द परफॉर्मेंस कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी लेट इस टेक एन एग्जाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो सप्लाई करेगा गुड्स कोई भी पर्टिकुलर गुड एट द रेट ऑफ रुपीज हंड्रेड पर यूनिट सौ रुपये यूनिट के हिसाब से ठीक है वो सप्लाई करेगा और से वन थाउजेंड यूनिट्स वो सप्लाई करेगा और वो सप्लाई करेगा उसकी भी डेट फिक्स हुई आफ्टर वन मंथ एक महीने बाद आज से ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ठीक है नाउ ए जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसने बी के साथ अब एनीथिंग कैन हैपन इफ ए रिफ्यूज टू सप्लाई द गुड्स या बी रिफ्यूज टू टेक दिलीवरी ऑफ गुड्स ठीक है तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है तोड़ा गया है ब्रीच हुआ है ठीक है दिस इज अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या बी रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी की जगह आप समझ लो बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स ठीक है ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा वो भी ठीक था चलो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ईद कैन बी फ्रॉम द ईदर ऑफ द साइट पॉइंट नंबर वन ठीक है इट कैन बी फ्रॉम द प्रोमिजर साइड ऑफर साइड इट कैन बी फ्रॉम द एक्सेप्टर साइड ठीक है चलिए अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आगे हम फर्दर दो कैटेगरी के, के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज द एक्चुअल ब्रीच एंड सेकेंड इज द एंटीसिपेटरी ब्रीच। नाउ वट इज दिस एक्चुअल ब्रीच एंड व्हाट इज दिस एंटीसिपेटरी ब्रीच? लेट एन एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको एक्चुअल ब्रीच से समझाता हूं देखिए सपोज ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ वही एग्जाम्पल है आपके सामने टू सप्लाई वन थाउजेंड यूनिट ठीक है एट द रेट ऑफ हंड्रेड ईच ठीक है ऑन ड्यू डेट ड्यू डेट पे हुआ क्या ए रिफ्यूज टू सप्लाई गुड्स ए ने मना कर दिया कि मैं गुड्स सप्लाई नहीं कर पाऊंगा ठीक है कब मना किया जिस दिन ड्यू डेट थी ठीक है उस दिन मना कर दिया कि मैं गुड्स नहीं दे पाऊंगा सो इफ ऑन ड्यू डेट ईदर ऑफ द पार्टी रिफ्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज द एक्चुअल ब्रीच वट इज द एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट ईदर ऑफ द पार्टी रिफ्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच बट द मेन पॉइंट इज ऑन ड्यू डेट ड्यू डेट पर ही ठीक है नो इन दिस केस होगा क्या ऑब्वियसली बीज लैब इज एंटाइटल टू क्लेम डेमेजेस फ्रॉम ए ध्यान से देखिए B is entitled to claim damages from किससे मिलेगा बताओ A से या इसी चीज को ना देखो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में गलत तरीके से लिख देते हैं और हम लिखेंगे या तो ऐसे लिखें A is A जो है वो liable है किस चीज के लिए liable है to pay damages आपको ये यूज करना आना चाहिए इज लाइवल टू पे डैमेजेस टू बी सी जिसको मिलना होता है वो एंटाइटल होता है और जिसको पे करना होता है वो लाइबल होता है लाइबल वर्ड यूज किया जाता है जब पे करना है सो इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू यू विल यूज द वर्ड लाइवल B has to receive, so you will use the word entitled. Exam में जब answers लिख रहे होते हैं law के तो ये बड़ी common error है जो हो जाती है और फिर marks करते हैं So B is entitled to claim the damages from A, or you can say A is liable to pay damages to B. So you have to very care use these words entitled and liable in a very careful manner. ठीक है? चलिए come to the point. So damages वो claim कर सकता है. अब damages कैसे claim होते हैं? अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डैमेजेस की वैसे बहुत डिफरेंट टाइप्स के डैमेजेस होते हैं वो हम अभी अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर देखेंगे बट अभी एक ऑर्डिनरी अगर डैमेजेस की बात करूं तो कैसे क्लेम होगा सपोज ऑन ड्यू डेट प्राइस ऑफ गुड्स टू बी सप्लाइड इज सपोज uh, वो है एक सौ पर यूनिट ठीक है इस वजह से ए ने मना कर दिया कि मैं गुड्स नहीं दे पाऊंगा उसने सौ रुपये का प्रॉमिस किया था जबकि ड्यू डेट पे जो उसका मार्केट वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे ऑन ड्यू डेट प्राइस ऑफ गुड इसका मतलब है मार्केट वैल्यू एक सौ तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा सौ रुपये में तो यहाँ पर ए को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे और कितने डैमेजेस देने पड़ेंगे भाई सीधी सी बात है डैमेजेस देने पड़ेंगे कितने रुपये फालतू बी को गुड खरीदना पड़ेगा मार्केट से बी को तो सौ रुपए के हिसाब से मिल जाता है ना बट अब क्योंकि सप्लाई नहीं कर रहा तो B को उसे मार्केट से खरीदना पड़ेगा और बी को मार्केट से जब खरीदना पड़ेगा तो बी को वो कितने का पड़ेगा एक रुपए का ट्वेंटी रुपीज एक्स्ट्रा तो दिस ट्वेंटी रुपीज एक्स्ट्रा ही कैन रिकवर फ्रॉम ए और कितने के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं थाउजेंट यूनिट्स हैं तो ऑन थाउजेंट यूनिट्स बीस रुपये के हिसाब से वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज दिस इज द अमाउंट बी विल क्लेम फ्रॉम ए समझ में आया शो अभी वैसे और तरह के भी डैमेजेस होते हैं दिस इज जस्ट वेरी सिंपल डेमेजेस विच विल बी क्लेम्ड बाय ए सॉरी विच विल बी क्लेम्ड बाय बी फ्रॉम ए तो होपफुली आपको ये टर्म जो है आपकी एक्चुअल ब्रीच ये पूरी की पूरी, पूरी क्लियर है कि व्हाट एग्जैक्टली exactly ज द एक्चुअल ब्रिज इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए पूरा डिटेल में इसे समझना इसी पे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के क्योंकि तो एक्चुअल में तो ऐसा कुछ नहीं था एंटीसिपेटरी ब्रिज सी वही केस ले रहा हूँ एपसल्यूटली से बड़े ध्यान से एक एक चीज एक था ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ बी के साथ ठीक है किस लिए किया था टू सप्लाई गुड्स बहुत बढ़िया ठीक है कितने यूनिट्स वन थाउजेंड यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट था किस रेट से एट द रेट ऑफ हंड्रेड ईच वो उसने सप्लाई करना था ठीक है अब बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिए और समझिए सप्लाई करना था ऑन से तीस नवंबर ये जो गुड सप्लाई करने थे तीस नवंबर को सप्लाई करने थे और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो हुई आपकी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ 25 सितंबर को कि 30 नवंबर को ए बी को इतने यूनिट्स इस रेट पे सप्लाई करेगा बड़े आराम से रिलैक्स होकर सारी चीजें समझो। हुआ क्या ऑन टेंथ ऑफ अक्टूबर 10 अक्टूबर को ए रिफ्यूज टू सप्लाई गुड्स टू बी ए ने मना कर दिया कि वो गुड्स सप्लाई नहीं कर पाएगा कब किया दस अक्टूबर को मतलब कब परफॉर्म होना था कॉन्ट्रैक्ट तीस नवंबर को ऑन ड्यू डेट मना नहीं किया पहली चीज बिफोर ड्यू डेट किया कब किया? बिफोर ड्यू डेट तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि जो एंटीसिपेटरी ब्रीच का हमारा केस होता है उसके अंदर ब्रीच होता तो है बट दैट इज बिफोर ड्यू डेट लाइक अनलाइक एक्चुअल ब्रीज जिसमें ऑन ड्यू डेट होता है इसमें ऑन ड्यू डेट नाउ के कब होता है बिफोर ड्यू डेट सो ऑन टेंथ अक्टूबर दैट इज ऑन बिफोर ड्यू डेट इट रिफ्यूज टू सप्लाई गुड्स टू बी ठीक है नाउ हेयर बी हैज टू ऑप्शन बी के पास टू ऑप्शन है यहां पर बी हैज ऑप्शन नाउ वट आर दीज टू ऑप्शन कौन से दो ऑप्शन यहां पर है बड़े ध्यान से समझिएट दैक्ट इमीजिएटली कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट को इमीजिएटली जो है टर्मिनेट कर दे कैंसिल कर दे या टू कीप द द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाइव अलाइव टू कीप नाउ इसका मतलब क्या है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इमिजिएटली एंड कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव बड़े ध्यान से समझिए इस केस के अंदर उसने देखो क्या बोला दस अक्टूबर को कि मैं गुड्स आपको सप्लाई नहीं कर पाऊंगा ठीक है एंड सपोज ऑन टेंथ अक्टूबर प्राइज ऑफ गुड्स आर रुपीज वन ट्वेंटी फाइव पर यूनिट एक सौ पच्चीस रुपए पर यूनिट है ठीक है सो बी कैन क्लेम डैमेजेस बी जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कितना हजार यूनिट का कॉन्ट्रेक्ट था और कितने रुपए फालतू से खरीदना पड़ेगा उस दिन एक सौ रुपए के हिसाब से जबकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था हंड्रेड रुपीज तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का उसने एप्लीकेशन दिया ए ने ठीक है उस दिन जो प्राइस था कितना था एक सौ रुपए तो उसके हिसाब से वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज कंपनसेशन ले सकता है कौन ले सकता है बी समझ में आया ये तो कब ले सकता है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इमिजिएटली अगर बी ने जैसे ही ए ने बोला एंटीसिपेटरी ब्रीच किया वैसे ही बी ने बी का ठीक है मेरे को डेमेजेस खत्म कर कहा नहीं सेकेंड केस उसने कहा नहीं कीप द कॉन्ट्रेक्ट अंसल ठीक है मैं इसे अलाइव रखूंगा तो उस केस के अंदर देयर कैन बी एनी सिचुएशन लाइक लेट्स मेक इट मल्टीपल केसेस केस वन ऑन तीस नवंबर ठीक है जो प्राइज है रुपीज से uh, वन पर यूनिट एक सौ चालीस रुपए पर यूनिट है ठीक है तो डेमेजेस जो मिलेंगे जो डेमेजेस मिलेंगे किसको मिलेंगे बी को ठीक है वो कितने मिलेंगे हजार यूनिट्स के हिसाब से चालीस रुपए पर यूनिट कितना चालीस हजार रुपए का जो अमाउंट है दैट बी विल बी एंटाइटल टू क्लेम फ्रॉम ए ठीक है बट केस टू केस टू सुपोज ऑन तीस नवंबर ठीक है जो प्राइस था वो हो गया अस्सी रुपए पर यूनिट कितना हो गया अस्सी रुपए पर यूनिट तो उस केस के अंदर कोई डैमेजेस इसको नहीं मिलेंगे पॉइंट नंबर वन क्यों क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कितने के हिसाब से हुआ था सौ रुपए के हिसाब से मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है अस्सी रुपए तो डैमेज तो ले नहीं सकता और दूसरी चीज बी इज बाउंड टू एक्सेप्ट गुड्स एट द रेट ऑफ हंड्रेड पर यूनिट अब बी को जो है वो सौ रुपए के हिसाब से गुड्स लेने ही पड़ेंगे अब बी मना नहीं कर सकता So, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखता है तो बी शुड बी रेडी फॉर बोथ द द कंपनसेशन अमाउंट कैन इंक्रीज इट कैन डिक्रीज और माइट बी कि सिचुएशन रिवर्स हो जाए मतलब यहां पर बी को जो है अच्छे घास रुपए के मिल जाते हैं अगर वो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता और आज वो मार्केट में अस्सी रुपए के हिसाब से ले लेता उस समय कंपनसेशन भी मिलता अवश्य के भी मिल जाते बट उसने कहा नहीं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट लाइव रखूंगा तो रख बेटा लाइव अब क्या हुआ अस्सी रुपये यूनिट हो गया प्राइस अब उसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मैं सौ रुपए के हिसाब से खरीदूंगा तो नाउ वी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों अलाइव रखा उसने अब डैमेजेस तो मिलेंगे नहीं उल्टा उसे सौ रुपए के हिसाब से गुड्स लेने पड़ेंगे समझ में एक बार श्यो अब केस टू के अंदर बी गए कि नहीं मैं नहीं लूंगा ठीक है मैं नहीं लेता गुड्स इफ बी रिफ्यूज to take, refuse to accept the goods, then he would be liable to pay damages. तो उसको damages देने पड़ेंगे और कितने देने पड़ेंगे किसको देने पड़ेंगे A को कैसे हजार units, बीस रुपए के हिसाब से very good। कितना हो गया बेटा बीस हजार तो समझ में आया तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में है तो दो ऑप्शन की या तो इमीजिएटली कर दो या कीप द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ बट एनी कैन कॉन्सिक्वेंसिस जो है वो कुछ भी हो सकते हैं तो होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आइए एक बार बुक में से फटाफट देखते हैं देखिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही सब वेयर द प्रोमिजर रिफ्यूजेज इज प्रोमिस एंड सिग्निफाइज इज अनविलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम ये आपको बताया था ऑल्टरनेटिव राइट हैं इधर द प्रोमी मे पुट एंड एंड टू द कॉन्ट्रेक्ट ही मे कीप द कॉन्ट्रेक्ट अलाइव अपू द वन द कॉन्ट्रेक्ट टू बी परफॉर्म्ड सब कुछ बताया बट द अमाउंट ऑफ डैमेज इन वन केस में भी डिफरेंट फ्रॉम अदर पूरा वही एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको दिया था जस्ट एक बार आप रीड कर लीजिए कुछ भी इसके अंदर ऐसा अलग नहीं है एक्चुअल ब्रीज वो भी मैं आपको बता चुका सारी बातें वही हैं ठीक है एक्चुअल ब्रीज इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म ऑन शेड्यूल्ड डेट जिसको हमने ड्यू डेट बोला मे ब्रिंग एन एक्शन फॉर डैमेजेस ठीक है ये सारा का सारा आप एक बार इसे फटाफट पढ़िए ठीक है डैमेजेस जो है वो वेरियस तरह के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन अपने नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे बस अभी आप यहाँ तक पढ़िए ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग काइंड ऑफ डैमेजेस आर पेबल ठीक है वो फॉलोइंग काइंड ऑफ डैमेजेस टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो हैं अब वो हम अपना नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं कौन कौन से जो डैमेजेस हैं क्लेम किए जा सकते हैं अभी सिर्फ आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर अपना डिस्कशन ओवर किया है प्लीज़ यहाँ तक अपनी पूरी की पूरी रीडिंग कंप्लीट कर लीजिए और वो टेबल बना लीजिएगा उससे आपके सारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी थैंक यू सो so मच